गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर क्लासेस विद मयंक सर। डियर वंस, वी आर डिस्कसिंग अ चैप्टर एडवर्ब्स, एंड इन एडवर्ब्स टिल नाउ आई हैड एक्सप्लेन सिक्स रूल, सिक्स काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। टुडे आई एम गोना एक्सप्लेन दोज काइंड्स व्हिच आर नॉट रेगुलर और जनरली स्टडीज इन हायर क्लासेस। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। एडवर्ब्स, टुडेज फर्स्ट type of adverb or kind of adverb is interrogative adverb. As you guys are aware with the term interrogative, to interrogate, that is to ask questions. वैसे words that are used to ask questions are interrogative, whether it is pronoun, adverb, adjective. Used to ask questions about words used to ask questions about manners, time, place, quantity, etc. वैसे वर्ड जो क्वेश्चन पूछने के लिए, खासकर मैनर, तरीका, कैसे, टाइम कब, प्लेस कहाँ, क्वांटिटी कितना, जो मैंने पिछले क्लास में बताया है काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स में, इन सबको पूछने के लिए जिस वर्ड का यूज करता है कम्स अंडर इंटरोगेटिव एडवर्ब। एग्जाम्पल देखिए, How is the boy performing? How is the boy performing in academics? How is the boy performing in the academics? वो लड़का कैसा परफॉर्म कर रहा है academics में, मतलब उस लड़के की परफॉर्मेंस क्या है, ये पूछना चाह रहे हैं। हाउ, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ हाउ से क्लियर होता है कि हाउ इज इंटरोगेटिव एडवर्ब। कुछ एग्जांपल और देते हैं ताकि आपको क्लियर हो। हाउ ऑफन डू यू go to play? How often do you go to play? Often का मतलब कल ही बताया था मैंने, हमेशा या अक्सर। How often do you go play? खेलने कब कब जाते हो, अक्सर हाँ कब कब जाते हो, How क्वेश्चन है। एक और एग्जाम्पल देखिए, Where did the children go for picnic? Where did the children go for picnic? Interrogative sign to be interrogation है। Where did the children go for picnic? बच्चे picnic मनाने के लिए कहाँ गए? Where? Question है, interrogative adverb। Clear है? तो वैसे adverbs या words that are used to ask questions about manner, time, प्लेस, क्वांटिटी एक्सेट्रा आर इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सक्लामेटरी एडवर्ब्स। एक्सक्लामेशन के बारे में मैंने बताया है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करना, उसी से कम या इस वर्ड को लिया गया है, डेट इज एक्सक्लामेटरी एडवर्ब। एडवर्ब दैट एक्सप्रेस डिग्री और एक्सटेंट इन एक्सक्लामेशन। हाउ एंड व्हाट एक्सप्रेसेस डिग्री और एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब किस हद तक, इन एक्सक्लामेशन आश्चर्य के रूप में,
in exclamation. Expresses degree or extent, किस हद तक जा सकता है, in exclamation surprise या exclamation मतलब ऐसा चकित रहने वाले वे में, किस हद तक जा सकता है. एग्जाम्पल देखिए, हाउ ब्यूटिफुली सी डांस्ड, हाउ ब्यूटिफुली सी डांस्ड, और कितना सुंदर उसने डांस किया, कितनी खूबसूरती से उसने डांस किया, उसने डांस परफॉर्म किया. ठीक है, यहाँ पे हाउ देख के कंफ्यूज नहीं कर रहा है लोगों को कि हाउ तो क्वेश्चन, हाउ का मतलब कितना, तो ये तो क्वेश्चन हो गया है. मैंने पिछले क्लासेज में भी जहां जहां इंट्रोगेटिव और एक्सक्लामेटरी की बात हुई, मैंने दोनों के बीच में डिफरेंस को समझाया है कि हाउ क्वेश्चन में भी होता है, क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव में भी और एक्सक्लामेटरी में भी. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस, अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क होगा, लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क नहीं है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है. कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है. ठीक है, इसलिए वहां पे एक्सक्लामेशन साइन है. हाउ ब्यूटिफुली सी डांस, अचरज की बात है, आश्चर्य की बात है, कितना सुंदर उसने डांस किया. ठीक है, एक और एग्जाम्पल लीजिए, व्हाट अ लवली व्यू, व्हाट अ लवली व्यू, कितना सुंदर नजारा है. ठीक है, व्हाट अ लवली व्यू, व्हाट हेयर एक्सक्लामेटरी एडवर्ब को शो करता है, और ये साइन जो है ये इंपॉर्टेंट है, साइन को भूलना नहीं है, नहीं तो सेंटेंस के मीनिंग गलत हो जाएंगे. ठीक है, अगले क्लासेज में मैं आपको एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन बताऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू.